ये कुछ लोग हैं आपके गांव में सरकारी सेंटर धान बेचे हैं, हाँ। उन्हीं को हम लोग खोज रहे हैं। अभिषेक चौधरी कोई आपके गांव में है? हमारे गांव में कह दिए ना कोई चौधरी नहीं है, चौधरी कोई है ये नहीं है। हमारे गांव में ना मुसलमान है, ना चौधरी है, ना यादव है। अच्छा, हाँ, पूरे गांव में त्रिपाठी लोग हैं? त्रिपाठी लोग हैं, लेकिन क्या नाम है? आदर्श, आदर्श त्रिपाठी नहीं है। त्रिपाठी में अगई नहीं, अगई भगाड़ में भी कोई त्रिपाठी नहीं है। मिश्रा है, मिश्रा है। अब मुसलमान? मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। हाँ, यानी कि मुस्लिम यादव चौधरी ये लोग नहीं है? नहीं, मुस्लिम यादव वर्मा जी, अमित कुमार वर्मा कोई है? कोई क्या वर्मा नहीं है, कोई वर्मा नहीं है। चौहान? कोई चौहान भी नहीं है। आपके गांव में अभिषेक कुमार चौधरी के हुआ? अभिषेक चौधरी नहीं, अगई भगाड़ में। अगई भगाड़ में क्या अभिषेक चौधरी कोई नहीं? आपके कौन गाँव है? इनका पिपरा गौतम, पिपरा गौतम में, पिपरा गौतम में के हुआ अभिषेक चौधरी? अभिषेक चौधरी के बटले नहीं बा, चौधरी है गई भगाड़ में तो है ही नहीं। कुर्मी अब्दुल गफ्फार अगई भगाड़ दिया है? अगई भगाड़ में चौधरी नहीं है और न मुसलमान है। हमारी टीम इस गांव के हर गली मोहल्ले में इन किसानों की तलाश करती रही, लेकिन इसमें से ज्यादातर किसान इस गांव में नहीं मिले। इस गांव में महज 12 से 15 किसान ऐसे मिले जो सरकारी क्रय केंद्र पर अपना धान बेचते हैं। इस मामले में जब हमारी टीम ने गहन पड़ताल शुरू की तो पता चला कि अगई भगाड़ गांव में कुल 233 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इस गांव में एक हेक्टेयर में 45 से 48 कुंतल तक धान पैदा किया जा सकता है, यानी कि 233 हेक्टेयर जमीन पर कुल 11,184 कुंतल धान पैदा किया जा सकता है, जबकि इस गांव के नाम पर 73,000 कुंतल धान सरकारी क्रय केंद्र पर बेच दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव के किसानों ने जिस जमीन पर धान पैदा करने का दावा किया है, उसमें से ज्यादातर जमीनें या तो हवा में हैं, या फिर सड़क, तालाब, मंदिर, स्कूल, मकान, कब्रिस्तान के प्रयोग वाली जमीन है।